अमदावाद खाते 23मा कारगिल दिवस निमित्ते एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स खाते रक्तदान शिबिरनुं आयोजन करायुं हतुं। कारगिल विजय दिवसनी 23मी वर्षगांठ निमित्ते विविध कार्यक्रमोना अनुसंधानमां एनसीसी डेट गुजराते भारतीय सेनाना वीर सैनिकों प्रत्ये कृतज्ञ व्यक्त करता अने एकता दर्शावता रक्त शिबिरनुं आयोजन करायुं हतुं। तेमणे भारत माताना सन्माननी रक्षा माटे पोतानुं जीवन बलिदान आप्युं हतुं। जीत हासिल की थी और उस उपलक्ष्य के ऊपर हम हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के ऊपर मनाते हैं। ये लड़ाई अपने आप में एक किस्म की कह सकते हैं कि इस तरह की लड़ाई थी, क्योंकि ये पूरा आक्रमण नहीं था। हमारी सेना ने उन बर्फीली चोटियों के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि वो पूरी इजाजत के बिना ये लड़ाई जीतकर हमने जीत हासिल की थी। हम ऐसे उस तरफ जा नहीं सकते थे, इस तरफ रहते हुए कई एम्युनिशन आर्म्स वगैरह का इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड मैनर में करते हुए ये लड़ाई जीती थी। और 500 से ज्यादा हमारे ऑफिसर्स जेसीओ जवान शहीद हुए थे, और इन्होंने जो देश की रक्षा के लिए खून बहाया है, जिसके कारण हम आप यहाँ पर महफूज हैं, उस दिवस को मनाने का या उनको एक अभिवादन देने का ये ब्लड डोनेशन के द्वारा सबसे बड़ा हमारा एक अटेम्प्ट है। जिन्होंने खून बहाया है उनके लिए हम खून देके ये कारगिल दिवस का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम सबको इंडियन आर्मी के ऊपर नाज है कि हमारी ऐसी फौज है जो थकती नहीं, कभी ऊंचाइयों से डरती नहीं। गुजरात में विविध स्थलों आयोजित कुल 500 થી વધુ કેટરર્સ સ્વૈચ્છિક રીતે રક્તદાન કર્યું હતું। બ્રિગેડિયર નીરવ રાયજાદા, ગ્રુપ કમાન્ડર, એનસીસી ગ્રુપ હેડક્વાર્ટર અમદાવાદ, એનસીસી ગ્રુપ હેડક્વાર્ટર લો ગાર્ડન અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં મુખ્ય મહેમાન હતા। એનસીસી કેટરર્સ દ્વારા બ્રિગેડિયર નીરવ રાયજાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું। તેમણે એનસીસી કેટર્સના સંબોધિત કર્યા અને સામાજિક કાર્યોના ઉત્પાદનમાં તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરી તમામ રક્તદાતાઓને પ્રશંસા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હતા। ભારતીય રેડક્રોસ સોસાયટી અને બીજી મેડિકલ કોલેજના મેડિકલ સ્ટાફે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવા ટેકનિકલ સહયોગ આપ્યો હતો। સંજીવ રાજપૂત સાથે હનીફ શેખ, સમય મીડિયા ન્યૂઝ, અમદાવાદ।